पिता ने जगह तोड़ डाली। दुर्योधन तड़प रहा है, रो रहा है। उसी समय अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, सुनो, तुम चाहते थे ना कि तुम पांडवों का अंत कर दो, लेकिन तुम पांडवों का अंत नहीं कर पाए। लेकिन हे मित्र, सुनो, तुम्हारी इस इच्छा को पूरा मैं करूंगा। और सुनो, मैं जा रहा हूँ पांडवों का अंत करने के लिए। मैं उन पांडवों का सर धड़ से अलग करके तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा। चला है रात के अंधेरे में अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा जब आया है, अश्वत्थामा ने आकर के रात्रि में पांडव पुत्रों के पास आकर के, रात का अंधेरा हो रहा था, रात में दिखा नहीं, कुछ नजर नहीं आया, पांडव पुत्रों के पास आ गया। लगा ये पांडव है, और पांडव पुत्रों के सर धड़ से अलग करके अश्वत्थामा वो पांचों सर लेकर के पहुंचा है दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने जब वो सर देखे तो उसे जानने में देरी नहीं लगी। दुर्योधन ने कहा, मूर्ख अश्वत्थामा, तुमने ये क्या कर डाला? अरे ये कोई पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र है, और तुमने पांडव पुत्रों का अंत कर डाला है। उसी क्षण दुर्योधन तड़पने लगा, और तड़पते तड़पते दुर्योधन ने प्राणों का त्याग कर दिया, मर गया। अश्वत्थामा अपनी रक्षा के लिए निकल पड़ा, लेकिन जब प्रातः काल हुई, अर्जुन ने जब अपने पुत्रों की दशा देखी, रोने लगा अर्जुन। गोविंद से पूछा, प्रभु प्रभु, मेरे पुत्रों की दशा किसने की है? भगवान ने कहा, जानना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, हाँ हाँ प्रभु, मुझे बताइए किसने मेरे नादान बालकों को मार दिया। प्रभु, मेरे तो ये पुत्र नादान थे, इन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर मेरे पुत्रों को ये भयंकर दशा क्यों दी गई? उनकी ये दशा क्यों की गई और किसने करी, बताओ। प्रभु ने कहा, तुम्हारे गुरु पुत्र अश्वत्थामा ने तुम्हारे बालकों की हालत की है। सुना, उसी समय अर्जुन रथ पर बैठ गया, और रथ पर बैठ करके अर्जुन चला है अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा ने जब जाना कि अर्जुन आ रहा है, ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है, और ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, लेकिन अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब इधर दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा कर धरती पर गिरे। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, द्रौपदी के चरणों में लाकर डाल दिया। अश्वत्थामा आज चरणों में पड़ा है द्रौपदी के। अर्जुन कह रहा है, बताओ कैसे मारूं, लेकिन द्रौपदी कहती है, मुच्यताम 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 ब्राह्मणों नृताम गुरुः। द्रौपदी कहती है, हे स्वामी, शास्त्र कहता है अपने हृदय में सबके प्रति दया रखो, हमारा धर्म कहता है कि हम सबके कल्याण का भाव अपने हृदय में रखते चले जाए, सबके सुख की कामना करते हुए सबके जीवन में सुख को लाने का प्रयास करें, ना कि किसी को कष्ट देने का प्रयास करा जाए। ये हमारा धर्म नहीं कहता, हमारा धर्म कहता है अहेव सर्वाक्षरतामम यदेव अहेव सुकाम वादते। सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति भाव। लेकिन स्वामी, ये तो आपके गुरु पुत्र है, ये तो आपके गुरु पुत्र है, और स्वामी आप इन्हें मारना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा, हे देवी, तुम्हें नहीं मालूम, अरे यही वो हत्यारा है जिसने हमारे पांचों पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया है, और तुम कह रही हो कि मैं इस पापी को छोड़ दूं। द्रौपदी कहती है, स्वामी, मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहूंगी कि आप इन्हें जाने दीजिए, आप इन्हें मत मारिए। लेकिन अर्जुन, उसने कृष्ण से निवेदन किया, प्रभु से पूछा, प्रभु कृपा कीजिए। प्रभु ने कहा है, यक्ष तामम नितारनेम अहेम ब्राशलतम
यदेव वार देम शादे अहेम दाग्यस्ततम। आज भगवान कहते हैं हे अर्जुन, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गया और अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल करके उसको धक्के दे करके उसको निकाल दिया। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर आवेश में आकर के ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और दूर खड़े कन्हैया से अश्वत्थामा आवेश में आकर कहता है, हे कन्हैया सुनो, आज तक तुम अपने पांडवों की रक्षा करते आए हो, आज तक तुम अपने पांडवों का संरक्षण करते आए हो, लेकिन सुनो, आज अश्वत्थामा देखेगा किस प्रकार तुम पांडवों की रक्षा करते हो, किस प्रकार तुम इस पांडवों के वंश को निर्मूल होने से बचाते हो, क्योंकि मैं आज पांडवों के वंश को निर्मूल कर डालूंगा। और जैसे ये कहकर के शांत हुआ, उसी समय भगवान भी आवेश में आ गए और भगवान ने आवेश में आके कहा, नरधम, अरे मूर्ख, तू एक गर्भ में पल रहे बालक को मारना चाहता है, लेकिन इस बालक को तो मैं नया जीवन दान करूंगा, लेकिन तुझे तुझे तो ना ही कोई मृत्यु मिलेगी और ना ही तुझे जीवन दान मिलेगा। आज मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण तुझे श्राप देता हूँ, तो 3000 वर्ष के लिए इस धरती पर भटकता रहेगा, दर दर व्याकुल हुआ ठोकर खाता रहेगा, तू कभी भी चैन को शांति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कह करके प्रभु शांत हो गए, लेकिन उसी क्षण भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा करी है। और एक बात याद रखिएगा मैया जी, राजा परीक्षित जिन्होंने माँ के गर्भ में ही भगवान को पा लिया था, जिन्होंने माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया था, ऐसे राजा परीक्षित जीवन धन्य है जिनका, जिन पर प्रभु ने कृपा ही कर दी। अहेम शर्वाक्षलतावम यत प्रक्षदतामेम अहेम दर्शन वाक यदेम अहेम नान्यदाक्षलता। कितनी कृपा भगवान ने कर दी है राजा परीक्षित पर, लेकिन भगवान परीक्षित पर कृपा करके आज भगवान जाने लगे है द्वारिका। और जब भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण से, जब बुआ कुंती भगवान श्री कृष्ण के पास आई है और भगवान से झोली फैला करके मांगने लगी, तो मांगा भी तो क्या मांगा, भगवान से दुख मांगा है, भगवान से कष्ट मांगा है। भगवान ने पूछा, बुआ जी, संसार में कोई दुख नहीं चाहेगा, कोई भी अपने जीवन में विपत्ति को नहीं पाना चाहेगा, मैं ऐसे सुख को लेकर ही क्या करूं जिसके आने से मेरे प्रभु मुझसे दूर चले जाए, मेरे प्रभु दूर हो जाए या जीव प्रभु से विमुख हो जाए। प्रभु मुझे तो वो दुख ही चाहिए जिसके आते ही कम से कम जीव आपको याद करता हुआ आप तक तो चला आता है, कृपा कीजिए। भगवान ने बुआ कुंती पर कृपा करी, लेकिन दुख नहीं दिया। क्या नहीं दिया? दुख नहीं दिया, क्योंकि भगवान के पास दुख है भी नहीं। आज के जो व्यक्ति कहते हैं ना, हमारे जीवन में कष्ट है, दुख है, भगवान ने हमारे जीवन में दुख दिया है, नहीं, भगवान दुख नहीं देते हैं। भगवान के पास एक वस्तु है और वो है आनंद, दुख भगवान नहीं देते। और भगवान दुख क्यों देंगे? अच्छा एक बात बताइए मैया जी, आपका पुत्र कितना भी नालायक हो, चाहे वो कहना नहीं मानता हो बिल्कुल भी, एकदम नालायक, बिल्कुल नालायक,
लेकिन फिर भी सच बताएगा। क्या आप चाहोगे उसके जीवन में दुख आए, कष्ट आए, पीड़ा आए? चाहोगे? कामना करोगे? नहीं। क्यों? चाहे जैसा भी है लेकिन फिर भी उससे प्रेम है, उसके प्रति लगाव है। तो जब प्रेम है तो उसे आप दुख में नहीं देखना चाहेंगे, उसके जीवन में कभी भी दुख की कामना आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेम करते हैं आप। तो भगवान तो हमारे पिता है, जगत पिता है। हम कौन है? हम उनकी संतान है। तो क्या वो ठाकुर, क्या वो गोविंद हमारे जीवन में क्या दुख देना चाहेंगे? नहीं। अरे महाराज, जब जीव कर्म ही ऐसे करता है, पाप करता है, तो उन पापों का फल ये होता है कि व्यक्ति इस जन्म में कष्ट भोगता है, पीड़ा भोगता है। लेकिन भगवान कहते हैं, अहेव दुखम वाक्षलतामम यतेव भक्ति यत विदारस्तताम यत मुखम आरदेशताम यत विनादिस्तताम। भले ही तू अपने प्रारब्ध के कारण तुझे दुख भोगना पड़ता है, लेकिन अगर उस दुख में भी तू अगर मुझे याद कर ले, मेरे नाम का आश्रय ले ले, तो भी मैं तेरे दुख को दूर कर तुझ पर कृपा कर दूं। जीवन में कितना भी बड़े से बड़ा कष्ट क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर प्रभु के नाम का आश्रय ले लिया जाए ना, तो दुख भी दुख नहीं, दुख भी सुख में परिवर्तन हो जाता है। कब? जब जीवन में प्रभु के नाम का आश्रय लिया जाता है तब। एक बार सभी भाव से कहेंगे राधे राधे। और जो अभी भी नहीं बोल रहे उनको भी बोलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने जाकर के उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा करी है, लेकिन भगवान केवल मात्र परीक्षित की रक्षा ही नहीं करते हैं। जब ये जीव माँ के गर्भ में पल रहा था, तब भी उस समय इस जीव को माँ के गर्भ में भूख प्यास लगती थी। माँ को भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो माँ तो भोजन पा के अपनी भूख शांत कर लेती थी, जल पी करके प्यास बुझा लेती थी। लेकिन जो गर्भ में बालक पल रहा है उसको भी भूख प्यास लगती है, उसकी भूख कौन शांत कर रहा है, उसका पेट कौन भर रहा है? माँ के गर्भ में भी बोले वो है कृष्ण, वो है राम। इस संसार में जन्म लेकर के आए हैं, अब भी कौन कृपा कर रहा है? बोले कृष्ण। और हमेशा एक बात याद रखेगा, यतेम रक्षरदार यतेम अहेम परीक्षित जीवन स्तताम ये नम के नम अहेम कृपाल्यक्षताम यतेन वन्नम श्री चरणास्ततम। माँ के गर्भ से लेकर के आपके मरने के बाद भी अगर आपकी कोई रक्षा करता है तो वो है भगवान, और भगवान का नाम। माँ के गर्भ से लेकर के भी मरने के बाद तक भी, मरने से लेकर मरने के बाद तक भी भगवान का नाम साथ नहीं छोड़ता है। अगर भगवान के नाम का आश्रय ले लिया जाए तब। वास्तव में मैया जी, आप मानिए ना मानिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो आपने संसार में जोड़ करके रखा है ना धन संपत्ति, जो कुछ भी आपने संसार में इकट्ठा करके रखा है, जो भी कमा करके रखा है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जिसके लिए आपने पूरा जीवन अपना निकाल दिया है, जिस दिन मरेंगे ना, उस दिन खाली हाथ संसार से जाना पड़ेगा।
अबले महाराज संसार में आए और संसार से खाली हाथ जा रहे, ये तो अच्छी बात नहीं, ये तो ठीक नहीं। अरे इस संसार में आए हैं तो कम से कम यहां से कुछ लेकर के तो अपने साथ जाए, लेकिन साथ जाएगा क्या? जो साथ वहां जाती है वो वाली वस्तु अपने जीवन में इकट्ठी करो। बोले वहां साथ क्या जाएगा? धन? बोले नहीं। बेटा? बोले नहीं, बेटा भी शमशान तक साथ जाएगा। अरे मैया जी, बेटा छोड़ो, बेटी छोड़ो, धन संपत्ति छोड़ो, परिवार रिश्तेदारों को छोड़ दीजिए, ये जो आपका शरीर है ना, जिसको आज तक आपने सजाया है, खूब आपने इस शरीर की सुंदरता को सजाने सवारने में आप जो अपना आधा जीवन बिता रहे हैं, ये शरीर भी, ये तन भी मात्र शमशान तक साथ जाएगा। शमशान से आगे तो खुद आपको अकेला जाना पड़ेगा। लेकिन हम इस व्यासपीठ से कहते हैं, अगर चाहते हो मरने के बाद भी आपका जीवन सुखमय हो जाए, तो उसके लिए आवश्यक है कि जीते जी भगवान के नाम का आश्रय ले लिया जाए। तो मरने के बाद भी जो आपने इस जीवन में जीते हुए जो आपने पाप आदि जो भी बुरे कर्म किए हैं, यदि चाहते हो उन बुरे कर्मों के फल से मुक्ति पा लेना, तो उसके लिए एक ही कार्य करना है और वो है मात्र भगवान का नाम, केवल मात्र भगवान का नाम। माया संसार तक साथ देती है, लेकिन भगवान का नाम यहाँ भी और वहाँ भी काम आता है, यहाँ भी साथ देगा और वहाँ भी साथ देगा। इसीलिए समय है भगवान के नाम को अपने जीवन में अपना करके भगवान के नाम धन को जीवन में इकट्ठा कीजिए। अब देखिए सर, भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की मां के गर्भ में जाके रक्षा करी। परीक्षित, भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं है, कभी भी। भगवान गर्भ में तो अपनी माया को भेजते हैं, लेकिन आज भगवान गर्भ में गए हैं किसके लिए? बोले अपने भक्त के लिए, अपने प्रेमी के लिए। अरे महाराज जरा देखो तो सही, पांडवों की रक्षा के लिए भगवान अपनी माया को भेज देते, लेकिन माया को नहीं भेजा, स्वयं चल करके आए, स्वयं सारथी आकर के बन गए। परीक्षित की रक्षा के लिए भी अपनी माया को उत्तरा के गर्भ में भेज देते, लेकिन नहीं। अहेम रक्षर ताम येन गोविंदस्तताम यत कृपाद ते मम अहेम हरि भक्तस्ततम। भगवान कहते हैं जो जीव मुझसे दूर है, मुझसे विमुख है, उसके लिए मैं अपनी माया को उसके पास भेज देता हूँ, लेकिन जिसने मेरा आश्रय ले लिया है, मेरी कृपा का सहारा ले लिया है, उसके पास तो मैं स्वयं ही चल करके जाता हूँ, माया को नहीं भेजता हूँ, बल्कि मैं मायापति खुद उसके पास चल करके जाता हूँ। अब सोचो, माया मिल जाए इसमें फायदा है कि मायापति मिल जाए इसमें फायदा है? बोले माया तो सबको मिली हुई है, लेकिन कितने सुखी हो जिस दिन माया पति मिल गया, उस दिन जीवन आनंदमय हो जाएगा, उस दिन जीवन कृतार्थ हो जाएगा, उस दिन ये तन पाना सफल हो जाएगा, उस दिन संसार में आना आपका धन्य हो जाएगा। लेकिन कब? जिस दिन माया नहीं माया पति को आपने पा लिया, तब। राजा परीक्षित कौन है? भक्त है, इसलिए भगवान माया को नहीं, भगवान स्वयं जाकर के परीक्षित की रक्षा करते हैं। उसके पश्चात में बुआ कुंती ने दुख भगवान से मांगा है, विपदा भगवान से मांगी है,
लेकिन विपदा भी इसीलिए मांगी कि भगवान हमसे दूर ना जा सके, भगवान हमसे विमुख ना हो सके, हमारे प्राणनाथ सदैव हमारे सन्मुख रहे। इसी भाव के लिए बुआ कुंती ने भगवान से दुख मांगा है। और एक बात तो याद रखिएगा, बुआ कुंती से मांगना सीखो मैया जी। बुआ कुंती दुख मांग रही है क्यों? कृष्ण हमसे दूर ना जाए, हमारे प्रभु हमसे विमुख ना हो जाए। हमेशा व्यक्ति को डर लगे रहना चाहिए। किस बात का? अहेम मुखम वार देनम यतेम सन्मुख वाक्षलतम येनम अहेम यत्तारणम कृपा प्रभु दर्शनम यतेम दुखम वार देनम यतेम राक्षते सुखम लाभस्ततम। भगवान सन्मुख हो और जीवन में विपदा हो तो वो विपदा भी विपदा नहीं लगती है, वो दुख भी दुख नहीं लगता है। लेकिन जीवन में कितना भी सुख आ जाए, लेकिन जीवन में भगवान का नाम नहीं, भगवान की कथा नहीं, जीवन में भगवान का भगवान के प्रति प्रेम नहीं, तो वो सुख भी किसी काम का नहीं है, वो सुख भी बेकार है, किसी काम का नहीं है। उस सुख की कोई मान्यता ही नहीं है भक्तों की नजरों में, शास्त्रों की नजरों में। सुख कौन सा अच्छा है? जिसमें प्रभु के नाम से जुड़ा रहे व्यक्ति, प्रभु को भूला ना जाए। लेकिन निहारी बुआ कुंती ने जब कष्ट मांगा है, उसके पश्चात में भगवान श्री कृष्ण पिता महा पर आदि कृपा करते हैं। उसके बाद में परीक्षित का जन्म आदि हुआ, भगवान ने कृपा करी और फिर भगवान द्वारिका गए, लीला पूरी करके भगवान वैकुंठ पहुंचे। पांडव भी राज्य अपना सब कुछ परीक्षित को सौंप करके चल दिए। राजा परीक्षित इधर धीरे धीरे बड़े होते चले गए। एक दिन राजा परीक्षित अपने राज्य में टहल रहे थे, घूम रहे थे, उन्होंने एक दृश्य देखा है। और दृश्य क्या देखा? एक काला भयंकर व्यक्ति एक गाय को और बैल को बुरी तरह से पीट रहा है, बुरी तरह से मार रहा है। और मैया जी, परीक्षित ने जब ये देखा तो परीक्षित ये सह नहीं पाए। अरे, मेरे राज्य में इतना बड़ा पाप हो रहा है और मैं तो धर्मात्मा हूं, और धर्मात्मा वही है जो कभी पाप करे ना और अपनी आंखों के सामने पाप होता हुआ भी ना देखे। राजा परीक्षित ने उसी क्षण तलवार निकाली है और दौड़ पड़े हैं उस काले भयंकर आदमी को मारने के लिए। लेकिन वो काला भयंकर व्यक्ति परीक्षित जी के चरणों में लेट गया, प्रार्थना करने लगा, शरणम येतेम अहेम कृपा दक्षततम येनम शरणादतेम अहेम युगस्ततामम यतेम कृपा अहेम कलियुगतामम अहेम बुद्धिवारदे यतेम विनाद्यस्ततम यतेम अहेम यतेक्षरताम येनम बारगस्ततम युगतारणेम यतेम श्रणताम अहेम स्थानवादततम। राजा परीक्षित से उस काले भयंकर व्यक्ति ने कहा है, हे महाराज, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे मारे ना। परीक्षित ने पूछा, हे मूर्ख व्यक्ति, तू है कौन, मुझे बता जरा। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ के कहा, मेरा नाम है कलियुग, मैं हूं कलियुग। राजा परीक्षित ने कहा,
तुझे तनिक भी शर्म नहीं आती? तू मेरे राज्य में आकर के तू गाय और बैल को दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है। राजा परीक्षित ने निहारा, महाराज उस कलयुग ने बैल के तीन चरण तोड़ दिए थे, वो बैल एक चरण पर खड़ा हुआ है, मात्र एक चरण पर। ये जो बैल है ना, ये बैल कोई और नहीं, यही है धर्म। जो धर्म भगवान को बहुत अधिक प्रिय है, जिस धर्म की रक्षा के लिए, जिस धर्म के पालन के लिए महाराज हरिश्चंद्र ने अपने पत्नी को भी बेच दिया, अपने पुत्र को भी बेच दिया, यहां तक अपने आप तक को बेच दिया। किसके लिए? धर्म के लिए। और वो धर्म कौन है? वो कलयुग में धर्म बैल का रूप लेकर के आया हुआ है। लेकिन निहारिये, दर्शन कीजिएगा, महाराज अहिम धर्म शारदेव यतेव रक्षिताम। धर्म के चार चरण थे, लेकिन कलयुग ने तीन चरण तोड़ दिए। कितने पाव पे खड़ा है? मात्र एक पाव पे। ये जो धर्म के चार चरण है, ये है क्या? पहला चरण है तप, दूसरा है दया, और तीसरा चरण है पवित्रता, और चौथा चरण है दान का। लेकिन अब निहारिएगा मैया जी, जब तक सतयुग था तब तक धर्म के चारों चरण थे, सत्य भी था, तप भी था, पवित्रता भी थी, दया भी थी, और दान, ये सब था, चारों चरण थे। लेकिन धीरे धीरे जब त्रेता युग आया तो त्रेता युग में मात्र तीन चरण रह गए। धीरे धीरे द्वापर आ गया तो दो चरण रह गए, और धीरे धीरे कलयुग आया तो महाराज मात्र एक चरण रह गया। और वास्तव में इस कलयुग में मात्र धर्म एक चरण पे खड़ा हुआ है, ना ही तो इस कलयुग में तप रहा है, ना ही तो दया रही है, ना ही तो पवित्रता रही है। महाराज आप कहेंगे कैसे? तो एक बात देखिए जरा, आप अपने जीवन में निहारिए, दर्शन कीजिए। तप सबसे पहला कौन सा चरण है? तप। वनों में जाकर के जो कुछ पहले के व्यक्ति आपने देखे, अधिकतर व्यक्ति तप के बल पर भगवान को पाया करते थे। किसके बल पर? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भी अधिकतर व्यक्तियों ने प्रेम के बल पर तो पाए ही भगवान को, लेकिन सन्यासी, महात्मा, विद्वान, तपस्वियों ने किसके बल पर पाया? तप के बल पर। उन्होंने क्या किया? तप किया, और तप के बल पर उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। जैसा तप पहले के व्यक्ति किया करते थे, आज आप अपने घर को छोड़कर के, अपने परिवार को छोड़कर के, आप हरिद्वार छोड़िए, आप वृंदावन छोड़िए, आप नर्मदा जी के तट पर जाकर के तप लगा लो, तप कर लो, संभव है? है कोई यहाँ पर बागेरी में जो कह दे कि हाँ हाँ देवी जी आपने कह दिया, अब तो अभी इसी क्षण जा रहे हैं नर्मदा जी के तट पर और जा करके बैठेंगे और तप में लीन हो जाएंगे? है कोई ऐसा? क्यों भैया जी, है कोई आप में ऐसा? नहीं। जो व्यक्ति तंबाकू खाना नहीं छोड़ सकते हैं, बीड़ी सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकते हैं, वो व्यक्ति संसार का त्याग करके, संसार को छोड़ करके तप करने के लिए चला जाए, संभव नहीं है।